एग्जामिनेशन हो गए शुरू और आपको ये फिक्र है कि कहाँ से आप हॉल टिकट डाउनलोड करें। हॉल टिकट ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी, कैसे डाउनलोड करें, कैसे इसका लेमिनेशन कराएं, लेमिनेट कराएं या फिर नहीं कराएं, ये सारी चीज़ें तो चलिए बताते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हूँ आरोही और आपका स्वागत है प्रिपरेशन क्लासेस में। इग्नू का जो हॉल टिकट एडमिट कार्ड होता है या फिर प्रवेश पत्र जिसे कहते हैं, उसमें आपको बता दूं कि वो डाउनलोड होता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट से www.ignu.ac.in, जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको चल जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन पे। डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको दिख जाएगा हॉल टिकट, टर्म इन हॉल टिकट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ ही आप वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके डायरेक्ट ही आप अपना हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसे प्रिंट लीजिए और ध्यान रखिएगा कलरफुल प्रिंट होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपको हॉल टिकट में कोई भी गड़बड़ी है तो उसे 7 से 10 दिन के अंदर जो है सुधारा जा सकता है। हॉल टिकट को डाउनलोड करने के बाद, उसका प्रिंटआउट लेने के बाद, उसे आपको लेमिनेट कराना काफ़ी ज़रूरी है। लेमिनेट इसलिए कराएं क्योंकि आपके लिए आपका जो हॉल टिकट है वो एक बार अगर डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया या फिर खो गया कहीं से भी बाय द वे मिस्टेक, तो आपको उसके लिए और एक प्रिंटआउट भी रखना ज़रूरी है और उसे लेमिनेट कराना भी ज़रूरी है। आप ऑफलाइन क्या आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑफलाइन भी आता है स्टडी सेंटर पर, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादातर इग्नू कहता है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहना। थैंक यू सो मच।